वेलकम बैक गाइस। और आज हम करने लगे हैं कि क्या डिफरेंस है हमारे पास अकाउंटिंग वर्सेस अकाउंटेंसी। हम इसको एक जैसे लेके चलते हैं, काफी लोग वो समझते हैं एक ही जैसा वर्ड है तो ये एक ही होगा, लेकिन दोनों में काफी डिफरेंस है। ठीक है, जो अकाउंटिंग हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि अकाउंटिंग क्या है, वो एक आर्ट है, एक कला है। क्या चीज, किस चीज का आर्ट है? रिकॉर्ड करने का चीजों को, फिर चीजों को क्लासीफाई करने का, सेपरेट लिखने का, फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि उसको हम समराइज करते, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंटरप्रिटेशन करते थे कि प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो क्या था अकाउंटिंग। जबकि अकाउंटेंसी एक बहुत ही वाइडर जो है हमारे पास, इसका एक वाइडर स्कोप है एज कंपेयर टू अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी की ही एक ब्रांच है अकाउंटिंग जो है, ये क्या है, अकाउंटिंग जो है ये अकाउंटेंसी की ब्रांच है, मतलब इसकी ब्रांच में आता है। अकाउंटिंग क्या आ रहा है, इसकी ब्रांच में आ रहा है, ये इसकी ब्रांच है। क्लियर हो गया, ये बहुत वाइडर स्कोप है इसका अकाउंटेंसी का, जितना हमारा टैक्स से रिलेटेड चीजें होंगी, टैक्सेशन इसमें आ जाता है। ठीक हो गया, हमारे पास जो ऑडिटिंग का जितना चीज आ रहा होता है, ऑडिटिंग क्या है, ये सब कुछ क्या है, इसको देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता, तो जितना ऑडिटिंग का काम होता है, ठीक है, और टैक्सेशन का हो रहा है, अकाउंटिंग का हो रहा है, कॉस्ट का हो रहा है, ठीक है, बुक कीपिंग का हो रहा है, ये सारी चीजें किस में आ रहे हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर आ रही है अकाउंटेंसी। तो दैट्स व्हाई मैंने कहा इसका बहुत ही वाइडर स्कोप है एज कम्पेयर टू अकाउंटिंग। ये खुद अकाउंटिंग तो खुद अकाउंटेंसी की एक ब्रांच है, बात आ रही है समझ, ओके। और जबकि अकाउंटिंग क्या था वो हमने देख लिया कि वो क्या है, चीजों को रिकॉर्ड करना है, चीजों को क्लासीफाई करना है, चीजों को समराइज करना है, देन इंटरप्रिटेशन करना। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग वर्सेस अकाउंटेंसी। तो हैशटैग पीस आउट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग।